हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज़ ऐश्वर्या शर्मा। सो आज मेरा डे आउट है सास बहू और बेटिया के साथ। सो आज मैं अपने घर से पूरा सेट तक जाके पूरा पाखी में कैसे कन्वर्ट होती हूँ मैं, आज आप ये मेरे साथ देखेंगे। सो लेट्स गो। पहले की दुनिया बहुत अच्छी हुआ करती थी, मैं बिना मास्क के घूम सकती थी कहीं भी। अब कहीं भी जाना होता है सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ता है मास्क कहाँ है, सैनिटाइजर कहाँ है। और इसके ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब ग्रॉसरीज लेने भी जाना होता था तब तो मुझे पूरा कवर अप करके जाना होता था, लाइक ग्लव्स एंड एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा डरे हुए थे सारे लोग इंडिया में ऑब्वियसली, और मुंबई में स्पेशली, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हुआ था। बट कोविड के पहले की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, कहीं भी जा सकते थे, शॉपिंग मॉल्स एंड आई लव स्ट्रीट फूड्स, तो कहीं भी खा सकते थे खड़े होके। पर अभी थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार मैं खाऊं यहाँ पे कि नहीं, ऐसा है बस। बट अब तो कंट्रोल करना पड़ता है, सेफ्टी का है और सोसाइटी में पूरी एंट्री होती है कि कौन कहाँ कितने बजे जा रहा है कितने बजे आ रहा है, वो पूरा एंट्री होता है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आई मिस ट्रैवलिंग, मुझे घूमना बहुत पसंद है। सो वो तो मैं मिस कर ही रही हूँ, अभी तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं। सो अभी सिर्फ घर से सेट से कर, ये मेरी लाइफ हो गई है, डेली रूटीन है। अरे मैं गुनगुनाऊंगी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, आई नो कभी कभी, नॉट एवरी टाइम गाऊंगी। कौन सा गाऊं? हाँ गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम हाय राम। आई डोंट नो, आई एम एन इंजीनियर दो, सो मुझे पता नहीं मैं क्या होती। आई एम अ क्लासिकल डांसर ऑल्सो, सो मैंने क्लासिकल सिंगिंग और डांसिंग तो सीखी है, मैंने विशारद किया है 6 साल का कथक में, और सिंगिंग का मैंने 2 ईयर्स सीखा है, बट ऐसे प्रैक्टिस एज सच की नहीं है मैंने, बिकॉज मेरा गला ख़राब हो जाता था जब मैं गाती थी, अब नहीं होता बचपन में हो जाता था। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, आई एम अ स्मॉल टाउन गर्ल, मैं उज्जैन से बिलोंग करती हूँ। उज्जैन के पास में एक छोटा सा गाँव है महिपुर में, वहाँ से बिलोंग करती हूँ, सारी एजुकेशन मेरी उज्जैन में हुई है, सो मैं वहीं से हूँ, महाकाल की नगरी से। ओके, तो स्कूल कॉलेज सब वहीं से हुआ है मेरा। ओके, अगर हम बात करें ऐश्वर्या एक्टर नहीं होती तो ऐश्वर्या क्या? ऐश्वर्या डांसर होती। मेरा ड्रीम था कि मैं PhD करना चाहती थी कथक में, और मैं बिरजू महाराज जैसी एकेडमी ओपन करना चाहती थी, खुद की डांसिंग एकेडमी। सो वो तो नहीं हुआ और मैं एक्टर बन गई मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती रहती हूँ सेट पे, मैं बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझे कुछ ना कुछ खुद को एंटरटेन करके रखना पड़ता है, नहीं तो मैं फिर ऐसे हो जाऊँगी सैड सी। मुझे अच्छा लगता है मस्ती करना सेट पे, सो मैं जस्ट नाचती भी रहती हूँ, मेकअप करवाते करवाते भी कोई सॉन्ग आ जाता है तो मेरा चालू हो जाता है ऐसा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से मैंने की है इंजीनियरिंग, फ्रॉम उज्जैन अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्रॉम RGPV यूनिवर्सिटी भोपाल, दैट्स इट। और कुछ जानना है आपको? जैसे घर में कोई इंजीनियर निकल गया गलती से? मेरे घर में सब इंजीनियर है मुझे तो बाहर वालों के बारे में जरूरत नहीं पड़ती रहेगी फिर तो नहीं ऐसा वाला काम नहीं करती मैं, बिकॉज़ आई एम नॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक नेटवर्किंग एंड ऑल, मोबाइल नेटवर्क्स एंड ऑल, सो ये वाला है। एक्टिंग में इंटरेस्ट मैं बोल सकती हूँ, मुझे बचपन से था कहीं ना कहीं, मैं स्कूल कॉलेज में अपने फैकल्टीज और अपने जो भी क्लास फेलोज थे मैं सबकी मिमिक्री करती रहती थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैं ऐसा ऐसा करके जस्ट सारे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज आते थे, सो मैं वो बहुत पढ़ा करती थी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था क्या होता है, कैसे चलता है, ये लोग कैसे इंटरव्यूज देते, कैसे शूट करते हैं, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ थी मेरे अंदर। बट मैंने कभी घर पर एक्सप्रेस नहीं की अपनी फीलिंग्स की, यार मुझे बोलना चाहिए, आई डोंट नो घर वाले अलाउ करेंगे कि नहीं, बिकॉज मैं बहुत गांव से बिलोंग करती हूँ, लिटरली महीपुर से गांव, सो मुझे पता नहीं था, एंड आई एम अ ब्राह्मण, तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं बोलूँगी मना कर देंगे, मुझे डिसअपॉइंटमेंट चाहिए नहीं थी, लाइक मैंने तो कभी बोला नहीं। सो
मुझे बहुत लोग बोला करते थे कि ऐश्वर्या यू शुड ट्राई इन एक्टिंग, यू शुड गो टू मुंबई और वहाँ पे जाके तुम मॉडलिंग करो, एक्टिंग करो. अरे नहीं, कुछ नहीं करना. मैं तो कॉलेज में परफॉर्म करती रहती थी. मेरे परफॉर्मेंसेज होते थे उज्जैन में, कथक परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंसेज. सो उसमें मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था. सो तभी से लोगों का था कि नहीं तुमको जाना चाहिए और ऐसा करो ये वो. फिर मेरी इंजीनियरिंग के बाद मेरे पापा ने ही मुझे सडनली बोला, पता नहीं क्या हुआ था कि मुझे कुछ करना था. मेरे पापा, मुझे घर पे रहना नहीं है, मुझे कुछ करना है. मुझे आईटी में भी नहीं जाना था, मुझे जॉब, वैसी जॉब नहीं करना था, मुझे खुद का ही कुछ करना था कि नहीं यार ये करना है. तो आई वॉज लाइक कि पापा मुझे कुछ करना है, मुझे घर में नहीं बैठना. बोले क्या करेगी? मैंने बोला कि मैं या तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग का करूँगी या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, मुझे इंटरेस्ट था उसमें. तो बोले क्यों? मैंने बोला अच्छा लगता है मुझे. सो वो बोले कि अपनी फील्ड से रिलेटेड क्यों नहीं करती? मैंने बोला पापा डांस तो मेरा चलेगा ही साइड बाय साइड, वो तो मैं परस्यू करने ही वाली हूँ, मैं PhD करूँगी कथक में. तो बोले नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, तो एक्टिंग में क्यों ट्राई नहीं करती? आई वॉज लाइक ओ गॉड, मन की बात बाहर आ गई. मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था. मेरे मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं मतलब ऐसी होगी, बोलूं कैसे मैं. अब तो बहुत खुशी हुई थी, मेरा लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो. तो फिर मैं आ गई मुंबई. मैंने फिर एक्टर प्रिपेयर्स पार्ट टाइम ज्वाइन की थी 1 मंथ के लिए, कि कैसे क्या करते हैं, कैसे मुझे टेक्निकलिटी सीखनी थी, कैमरा एंगल्स एंड ऑल, कैसे कैमरा फेसिंग एंड. बाकी मुझे ऐसा कभी स्टेज फियर, कैमरा फियर रहा नहीं, बिकॉज आई यूज टू परफॉर्म अ लॉट. बचपन से ही करती थी मैं डांस. सो हाँ, धीरे धीरे करके मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किए. आई स्टार्टेड विद कैरेक्टर रोल्स. धीरे धीरे करके अब मैं यहाँ पर. फर्स्ट कैरेक्टर रोल कौन सा था? मेरा था, मैंने एक एपिसोड किया था कोड रेड, उसमें मैंने किया था. इट वॉज लीड दैट एपिसोड का. सो हाँ, वो मैंने किया था. उसके बाद एक कंटिन्यूटी शो मिला था मुझे, संकट मोचन महाबली हनुमान, उसमें मैंने जामवंती का रोल प्ले किया. सो वो मेरा फर्स्ट कंटिन्यूटी शो कैरेक्टर रोल था. ऐश्वर्या बिल्कुल डिफरेंट है पाखी से. पाखी एकदम सुलझी हुई, सीधी सादी तो नहीं, मैच्योर लड़की है और अंडरस्टैंडिंग है. मैं थोड़ी मस्ती के मूड में रहती हूँ, पाखी बिल्कुल नहीं है. पाखी रोती रहती है, ऐश्वर्या नहीं रोती. आई लव टू डू प्रैंक. अब बलि का बकरा कौन है? चलिए बताइए. बलि का बकरा मैं किसका, वो तो देखना पड़ेगा सेट पे कौन कौन आया, मुझे पता नहीं है. बलि का बकरा किसको बनाएंगे? नील को ही बना सकते हैं.